आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास टाटा कंपनी की हैरियर गाड़ी आई हुई है। तो फ्रेंड, इसमें कस्टमर का क्लेम क्या है, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इस पर पाने का सिंबल आता है जो सर्विस लाइट की वजह से आता है। सर्विस अगर इसका ड्यू रहता है तो उसकी वजह से आता है, तो उसे हमें कस्टमर ने बोला हटा के दे दीजिए। तो हमें इसका सर्विस लाइट हटाना भी है और इसका सर्विस भी करना है। तो हम फिलहाल इस वीडियो में आपको इतना ही बताएंगे कि इसका सर्विस लाइट जो है वो किस तरह उड़ाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले तो हम आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं। देखिए इसका सर्विस लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए सर्विस का लाइट ब्लिंक कर रहा है और जो ऑयल का लाइट है वो भी ब्लिंक कर रहा है। तो ये फ्रेंड, ये सर्विस के लाइट के वजह से ही आ रहा है वार्निंग कि सर्विस इसका ड्यू हो गया है, तो ऑयल इसका रिप्लेस कीजिए। इसको हम इसको आपको रिसीट करके दिखाएंगे कि किस तरह रिसीट किया जाता है। पहले तो आप इस गाड़ी को बंद कर दीजिए। हमने गाड़ी को स्टार्ट किया है, ठीक है, आप गाड़ी को बंद कर लीजिएगा। ये देखिए हमने गाड़ी को बंद कर दिया है, ठीक है। आपको इसका इग्निशन ऑन रखना है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हम इसका इग्निशन ऑन करेंगे। ये हमारा इग्निशन ऑन हो चुका है। इग्निशन ऑन करने के बाद आपको ये जो ओके का बटन है यहाँ पे देखिए स्टीयरिंग व्हील में, ये जो बीच वाला ओके का बटन है, आपको एक बार उसको प्रेस करना है। प्रेस करेंगे आपके मीटर पे देखिए आ जाएगा सर्विस। ये देखिए सर्विस रिमाइंडर रिसीट करके उसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है हम आपको बताएंगे। तो आपको सर्विस रिमाइंडर रिसीट पे जाने का है, तो उसके लिए आपको नीचे वाला बटन एक बार प्रेस करना पड़ेगा। नीचे वाला बटन जैसे आप प्रेस करेंगे देखिए सर्विस रिमाइंडर पे आप चले जाएंगे। फिर से आपको इसको बीच वाला जो बटन है उसको ओके करना है, ठीक है। फिर जिस बीच वाला बटन को आपको ओके करना है, ये देखिए जैसे बीच वाला वो बटन ओके करेंगे देखिए आपका आ रहा है रिसीट सर्विस रिमाइंडर। फिर आपको यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे आपका सर्विस लाइट हट जाएगा, ठीक है। तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके चेक करते हैं। देखिए हमारा सर्विस लाइट जो है वहाँ से जा चुका है, देखिए यहाँ पे आता था, ठीक है। तो हम एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जो ऑयल का लाइट हमारा ब्लिंक हो रहा है वो भी चेक करते हैं कि हमारा जाता है कि नहीं। हमने इसको मैनुअली, जो हमारा सर्विस लाइट आ रहा था मैनुअली, हमने इसको रिसेट कर दिया है। रिसेट करके और उसके बाद अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके चेक करते हैं जो हमारा मीटर पे सर्विस लाइट का सर्विस लाइट आ रहा था और जो ऑयल का सिंबल जो दिखा रहा था ब्लिंक कर रहा था वो ऑटोमेटिक बंद हुआ है कि नहीं। हम आपको इसका दिखाते, देखिए सर्विस लाइट हमारा चला गया है लेकिन लाइट जो है ऑयल का ब्लिंक कर रहा है। देखिए ये देखिए हमारा जो पाने का लाइट आता था वो तो चला गया है लेकिन जो ऑयल का लाइट है अभी भी ब्लिंक कर रहा है। तो हम इसको स्कैनर से रिसेट करेंगे और रिसेट करके एक बार चेक करेंगे स्टार्ट करके। हमने इसका स्कैनर लगाया है, ये देखिए स्कैनर हमारा लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको स्कैनर से एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो इसका इग्निशन आप ऑन कर लीजिएगा। ये हमने इग्निशन ऑन कर लिया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हैरियर आपका दिया गया है, ठीक है। हैरियर में आपको सेलेक्ट करना है, फिर डीजल में जाना है आपको, BSIV में जाना है, XC में जाना है, सिस्टम इसमें जाना है आपको, इसके बाद से आपका स्टार में जाना है। फिर ये आपका जो स्पेशल फंक्शन दिखा रहा है देख सकते हैं, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको जो सेकेंड ऑप्शन दे रहा है राउटिंग टेस्ट का, इसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है सर्विस रिमाइंडिंग रिसेट करके, रिसेट तो इसको रिसेट ओके करना है, फिर आपको ये ओके करना है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम था, देख सकते हैं हमारा लाइट ब्लिंक कर रहा है। देखिए हम अभी स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं हमारा लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको स्कैनर से रिसेट कर दिया है, अब देख सकते हैं, देखिए हमारा जो ऑयल का लाइट था वो ब्लिंकिंग स्टॉप हो गया है, ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। तो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जहाँ हमारा ऑयल का लाइट जो ब्लिंक कर रहा था वो स्टॉप हो चुका है, अभी स्टॉप ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं हमारा ये लाइट जो था वो ऑटोमेटिक जाता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने गाड़ी स्टार्ट किया है, हमारा लाइट भी ऑटोमेटिक चला गया है। देखिए हमारा गाड़ी स्टार्ट है, ये देख सकते हैं आप RPM का काटा। कभी भी आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि समझिए आपका सर्विस लाइट आया हुआ है और ऑयल का लाइट भी ब्लिंक कर रहा है, तो आपने मैनुअली समझ लीजिए उसे मतलब रिसेट कर दिया है, तो आपका सर्विस लाइट तो चला गया है लेकिन ऑयल का लाइट नहीं जा रहा है। तो आप परेशान मत होइएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको स्कैनर से ही उसको रिसेट करना पड़ेगा। जब तक आप स्कैनर से उसको रिसेट नहीं करेंगे तब तक आपका ऑयल लाइट ब्लिंकिंग बंद नहीं होगा। देखिए आपके सामने हमने स्कैनर से इसको रिसेट किया है, रिसेट करने के बाद हमारा जो ऑयल लाइट का जो ब्लिंकिंग था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है फ्रेंड।
तो ये आज का हमारा वीडियो था, ऑयल लाइटिंग ब्लिंकिंग को किस तरह सॉल्व करें। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।